इस जमाने में एक ऐसा बिजनेस भी है जो कि बिल्कुल रिसेशन फ्री है, बल्कि पेंडेमिक जैसे सिचुएशन में उनको और ज्यादा ग्रोथ मिलता है। और आने वाले कुछ सालों के अंदर ये इंडस्ट्री बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बनने वाला है, और उस इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को आप जानते ही है। इसी इंडस्ट्री को कहा जाता है एडटेक इंडस्ट्री, यानी कि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक स्मॉल लेवल पे एडटेक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्मॉल लेवल इसीलिए कहा क्योंकि पहले ही अगर आप बड़े लेवल का गेम खेलने जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा फंडिंग की जरूरत होगी। इसीलिए स्टार्टिंग स्मॉल लेवल से करो, ग्राउंड लेवल को अच्छे से पहचानो, सीखो सब कुछ। उसके बाद जब आपके पास फंडिंग हो जाएगा तब जाके आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। वीडियो के एंड में आपको एक फ्री कोर्स भी मिलने वाला है जहाँ से आप बहुत कुछ एडटेक इंडस्ट्री और ई लर्निंग इंडस्ट्री के बारे में सीख पाओगे। देखो, ई लर्निंग और एडटेक दोनों अलग अलग नाम है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। सिंपल से भाषा में अगर कहा जाए तो अगर आप लोगों को टेक्नोलॉजी के सहारे एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो उसी को एडटेक कहा जाता है। जियो के आने से पहले एडटेक इंडस्ट्री में बहुत कम लोग थे। इसका एक कारण भी है क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं था जिससे कि लोग ऑनलाइन लर्निंग कर पाए। लेकिन जब 2016 में जियो लॉन्च हुआ उसी टाइम से हमारे इंडिया में इंटरनेट रिवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ और एडटेक इंडस्ट्री के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बन चुका था। और उसके बाद 2020 और 21 में कोरोना की वजह से लोग घर में बैठे हुए थे, ऑलमोस्ट सभी बिजनेस बंद हो चुके थे, लेकिन ये इंडस्ट्री अभी भी चल रहा था। जो ग्रोथ हमें 10 सालों के बाद देखने को मिलता वो ग्रोथ इन्हीं 2 सालों में देखने को मिला। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बनने वाला है। अगर आप भी इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो, इस इंडस्ट्री में 2 प्रकार के बिजनेस होते हैं, आप कौन से बिजनेस पे जाना चाहते हो? पहला है पब्लिक प्लेटफॉर्म, दूसरा है ओन प्लेटफॉर्म। आप कौन सा प्लेटफॉर्म बनना चाहते हो? क्या आप यूडेमी की तरह एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनना चाहते हो जहां पर लोग आके अपना कोर्स अपलोड करें और उन कोर्स के सेल पे आपको कुछ कमीशन मिले, या फिर बायजूस की तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना खुद का प्रोडक्ट ही सेल करोगे लोगों को? देखो, दोनों ही बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे हैं और उनमें अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपने खुद के प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए। आप जिस भी फील्ड पे एक्सपर्ट है उसके रिगार्डिंग एक कोर्स बनाइए, उसके बाद उस कोर्स को एक LMS वेबसाइट पे डाल दीजिए जहां से आपके कोर्स को लोग एक्सेस कर पाएंगे। ये शायद सुनने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन ये उतना इजी नहीं है। एक ई लर्निंग बिजनेस को सेटअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको उनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में पता नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक फ्री कोर्स देना चाहूंगा जहां पर आप सीख पाओगे कि किस तरीके से एक ई लर्निंग बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप शुरू किया जा सकता है। इस फ्री कोर्स के लिए आप चेक कर सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जो सबसे पहला लिंक होगा आप उस लिंक को क्लिक करके इस मिनी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इस मिनी वेबसाइट पे आने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, उनमें से जो ई लर्निंग का कोर्स है वो आपको पहले ऑप्शन में ही दिख जाएगा। इस बटन को क्लिक करके आप डायरेक्टली उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन का मार्केटिंग का कोर्स है उसे भी आप जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आप चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना ले, अगर आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केटिंग ही नहीं कर पाओगे तो आपका वो प्रोडक्ट बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए पहले इन दोनों कोर्स को एक बार चेकआउट कीजिए। और हाँ, अगर आप बिजनेस की ईबुक्स को पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को एक बार फिलअप कर दीजिए, मैं आपको विद इन 3 आवर्स वो ईबुक्स सेंड कर दूंगा। अगर आपको किसी कारण की वजह से नहीं भी मिले तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं।